सो गाइज, ये है मेरा वर्क स्टेशन और आज का ये वीडियो ई कॉमर्स से रिलेटेड कुछ नहीं है। और ये है मेरा बैल्कोनी जहाँ बैठ के मैं काम करता हूँ। आई होप कि आपको ये अच्छा लग रहा होगा। बट एट द सेम टाइम ये जो एडेनियम के प्लांट्स हैं, आज से 3 साल पहले मैंने इनको लगाया था, ये काफ़ी लंबे हो रहे हैं, पतले हो रहे हैं। तो क्या होता है, इनको एक टाइम पर प्रूनिंग करना पड़ता है, मतलब इसको कट करना पड़ता है। तो आज छुट्टी है, चला हमने सोचा चलो जी इसकी छटाई कर देते हैं, राइट। सो ये मैं अभी कार को आपको दिखाऊंगा, राइट, कैसे करते हैं। हालांकि इसका ई कॉमर्स से कोई रिलेशन नहीं है, बट आप देखोगे तो डेफिनेटली आपको अच्छा लगेगा, आप भी अपने घर में ऐसा कर सकते हो, राइट। सो एडेनियम का प्लांट बेसिकली बहुत ही अच्छा इसका फूल खिलता है, राइट। सो जस्ट ए मिनट, लेट मी चेंज माई कैमरा मैन। सो माई वाइफ इज माई कैमरा मैन फॉर नाउ। सो अभी हम लोग इसको कट करेंगे, राइट। तो ये सारे प्लांट्स हैं। लुक, इसमें क्या है ना कि ये प्लांट जो है जैसे बहुत बड़ा होते जा रहा है, यहाँ पे स्टीम को मोटा होना है। स्टीम जब तक मोटा नहीं होगा ना, एडेनियम सुंदर नहीं दिखता है। तो हम लोग ये वाला छोड़ देंगे और ये वाला पार्ट जो है ना, इसको यहाँ से कट कर देंगे, सो देट ये मोटा हो जाएगा। जैसे ये आप देखो, यहाँ पे मैंने यहाँ इसको कट किया था, ये देखो कैसे मोटा हो गया है ये। आई होप कि आपको दिख रहा होगा, आई होप कि आपको दिख रहा होगा कैसे मोटा हो गया। ये नेक्स्ट ईयर ये प्लांट जो है ना, ये वाला प्लांट आपको वैसे ही मोटा दिखेगा। तो उसको करने के लिए सबसे पहले आपको वहाँ से उसको कट कर देना होगा, तभी जाके वो मोटा होगा। तो वी विल कट इट फ्रॉम हेयर। आपको लग रहा होगा कि इतना सुंदर प्लांट को काटने की ज़रूरत क्या है, बट ज़रूरत है। जिन लोगों को एडेनियम के बारे में पता होगा, ये यूज़लेस है, इसका कोई काम नहीं। अगर आप कट करके लगाओगे तो ये यहाँ से ग्रो कर जाएगा। ये बहुत ही मतलब ये प्लांट है, इसको कहीं भी लगा दोगे तो आपका लग जाता है, राइट। तो इसको मैं अभी रख देता हूँ साइड में और इसको कट कर लेते हैं। अब इसको हम लोग जो है ऑलरेडी यहाँ से कट किया हुआ था, ये कटिंग जो इसका मैंने कटिंग किया था ना, बेसिकली इसी का कटिंग को मैंने यहाँ लगाया था, आप देख लो। और उसी कटिंग से ये अब ये आगे ग्रो कर रहा है, तो ये फर्दर इसको मोटा होना है इसकी तरह। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ से कट कर देंगे, एक प्लांट को यहाँ पर रखते हुए। बेसिकली ये इसको रखने देंगे, ये इसको लाइफ देगा। हम काट भी दें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये फिर से पनप जाएगा। इसको कुछ दिन बाद इसको फिर से हम लोग कट कर देंगे, राइट। कुछ लोग यहाँ पे फेविकॉल लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं, मैं नहीं लगाता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। सिमिलरली इस प्लांट में भी देखोगे कि बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है। हमको इसका पेड़ नहीं बनाना है, इसको मुझे खूबसूरत पौधा बनाना है बेसिकली, सो दैट यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसका स्टीम मोटा होगा और ये आगे ग्रो करेगा। इसको भी मैं थोड़ा सा काट दूँगा, राइट, इसको भी थोड़ा सा काट दूँगा मैं। तो ये बहुत सुंदर हो जाएगा आने वाले टाइम पे, आप देखोगे। ये भी एक एक इंच का मैं बेसिकली लाया था एंड इट हैज़ ग्रोन सच ब्यूटीफुली ना। तो ये सारा कट करना पड़ेगा हमें, इसको सबको हम लोग कट कर लेंगे। इसका तो हम सारा ही कट कर लेंगे क्योंकि ये मेरा सबसे फेवरेट वाला है, राइट। ये इसको छोड़ देंगे, इसको भी छोड़ देंगे, ये पुराना प्लांट्स है तो ये समझ जाएगा। नाउ ओवर टू दिस, आपको देखने में थोड़ा सा दिक्कत होगा कांच की उधर से, बट इसको हम पूरा कट करेंगे। ये बहुत खूबसूरत होगा आने वाले टाइम में, बहुत ही खूबसूरत, क्योंकि ये दो प्लांट्स होंगे और यहाँ से दो ब्रांचेस से ये निकलेगा एंड इट विल लुक ब्यूटीफुल। इससे पहले जो था ना, ये यहाँ पे हुआ करता है। और इन कमिंग डाउन टू दिस, इसको भी हम लोग कट करेंगे। अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं बता दूँ कि ये प्लांट्स मरते नहीं हैं, बेसिकली ये डेजर्ट में होने वाले प्लांट्स होते हैं बेसिकली। तो ये बहुत खूबसूरत होंगे आने वाले टाइम पे। ये कटिंग जो होगा ना, इनके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, ना कि ये ख़राब है, राइट। सो पहले कैसा दिख रहा था आपने देख लिया, अभी काटने के बाद ऐसा दिख रहा है, लेकिन बिलीव करें इसका बेटरमेंट के लिए है, ना कि इसकी ख़राबी करने के लिए है, राइट। सो थैंक यू, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट मैंने एक ये वीडियो बनाया। ई कॉमर्स से रिलेटेड वीडियो तो आते ही रहेंगे, आप लोग देखते रहोगे, इन्जॉय करते रहोगे, बट कभी कभी कुछ कुछ काम भी हो जाना चाहिए। आप लोग देखोगे एक दिन मैं अपना घर का भी टूर कराऊंगा आपको, कि कैसे ही हम लोग घर से ऑपरेट करते हैं और कैसे हम लोग अपना ई कॉमर्स बिजनेस को घर से ही ऑपरेट करते हैं, राइट। सो अगेन दिस इज़ माई सेटअप और यहाँ पर ऐसा दिख रहा था, कुछ ही दिन में ये फिर से हरा भरा हो जाएगा एंड इट विल लुक ग्रेट अगेन। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम। लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ दूसरों को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।